गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं चेतन चौहान, आपका दोस्त। तो आज एक बार फिर गेमिंग एंडोज पे आप लोग खेलने वाले हैं एक ट्रेन सिमुलेटर गेम। इस गेम में हम लोग एक ट्रेन चलाएंगे और फटाफट से इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं। क्या इसकी कंट्रोलिंग, किस प्रकार की कंट्रोलिंग है, ट्रेन कंट्रोल में आती है कि नहीं आती, किस प्रकार के ग्राफिक दिए गए इस गेम के माध्यम से, तो चलिए बढ़ते आगे। बट स्क्रीन जो सामने भी आप देख रहे हो, देखने में ऐसा लग रहा है कि गेम अच्छा ही होगा, बट फिर भी हम लोग अभी प्ले पे क्लिक करने जा रहे हैं। तो ये देखिए सेटिंग में कुछ अलग से इसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो पहले लेवल से स्टार्ट करते हैं। वेट अ सेकंड, गो एंड आस्क द मैकेनिक इफ द इंजन इज रेडी टू गो। तो सबसे पहले इसमें एक ऑब्जेक्टिव आ गया, आप देख सकते हैं कि मुझे भी एक मैकेनिक के पास जाना होगा। हो सकता है कि जब भी मान लीजिए भी कोई गाड़ी स्टार्ट होती है, जैसे आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो अभी जैसे कि सर्दियों का वक्त आ गया, काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी रहती है, तो उसमें कोई दिक्कत आ जाती, इंजन में फ्यूल उसमें कोई डस्ट जमा हो जाए, जिस वजह से उसकी आवाज़ जो साउंड की वो बदल जाती है। इस वजह से मैकेनिक की आवश्यकता पड़ती है। फिर मैकेनिक बताता है कि आपको गाड़ी में क्या चेंजिंग करनी है, आपको पूरा फ्यूल चेंज करना है या फिर और कुछ चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे मैं इंजन को ऑन कर देता हूँ और ये जो ट्रेन है वो जाने के लिए रेडी है। ये देखिए, ये है वो ड्राइवर। तो अभी यहाँ पे टाइम चल रहा है, तो आपको दिख रही होगी ये फुटपाथ दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, इनको फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ना होगा। तो ये हो प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे यात्री खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये है वो ड्राइवर, तो ये है वो ट्रेन जो कि खड़ी हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। मुझे इस बंदे से बातचीत करनी होगी यहाँ। तो ये देखिए आपस में यहाँ पे कन्वर्सेशन चालू हो गई है। ट्रेन इज रेडी टू गो, तो अभी ये ट्रेन जाने के लिए तैयार है। ये मुझे लग रहा है कि ये वो मैकेनिक था। आपको पता है कि कोई भी जब इतनी बड़ी मशीन जब स्टार्ट होती है, एक आप ट्रेन इंजन ही ले लीजिए, आपको पता है कि ट्रेन इंजन बहुत ही काफ़ी टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए भी। जैसे कि आपको पता है कि डीजल इंजन, फिर इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, उसको काफ़ी बटन्स उसमें ऑन करने पड़ते हैं, बैटरी ऑन करती है, बैटरी अटैचमेंट करना पड़ता है, बैटरी का सब कुछ चेक करना पड़ता है, फ्यूल कितना, पानी कितना उसके अंदर लेके पानी कितना है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी इसमें टेक्निकल फंक्शन होते हैं। तो अब यहाँ पे अपनी ट्रेन जाने के लिए रेडी है। ये देखिए, तो लेवल वन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेवल वन में कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखाया गया, बट ये ऐड के लिए गाइस आप लोग माफ करिएगा। ऐड को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, इसलिए कोई भी अगर आप गेम खेलते हैं तो उसमें आप उसको ऑफलाइन ही खेलिए, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता है, बिकॉज ऐड बार बार में आती है और परेशान करके रख देती है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो हम लोग अभी जा रहे हैं लेवल नंबर 2 की तरफ। तो लेवल नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, स्टार्ट द ट्रेन और चेक फॉर फीचर्स। जब भी कोई भी ट्रेन आपने देखी होगी, वो स्टेशन पे खड़ी होती है, एकदम खड़ी होती है, तो उसको जो भी गार्ड है, फिर उसका पायलट है, ड्राइवर है, जो भी ड्राइवर, उसको चेक करने के लिए आता है कि उसके सारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिक इंजन होगा, उसका जो तार से इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्शन हो गया कि नहीं हो गया है, इसके सारे फंक्शन, लाइटिंग हो गए, इसके जो भी उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, हॉर्न उसका सही से काम कर रहा कि नहीं, उसके बाद ही आगे गाड़ी बढ़ती है। तो चलिए ये देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन चेक करने वाले, हम लोग कैबिन में आ गए हैं, इसका कैबिन। तो अभी यहाँ पर टाइम भी चल रहा है, मैं फटाफट से बताना होगा। इंजन मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले इंजन ही स्टार्ट किया जाता है, और इंजन स्टार्ट होते पता चल जाता है कि इंजन में कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो देखिए, चेक दी गस इफ इट फुल और नॉट। ये देखिए, ये भी ठीक है, आपको पता। ये देखिए, एक और, नाउ चेक दी रेडियो इफ इट वर्किंग। तो अभी यहाँ पे
रेडियो भी ठीक है, ये इसका हॉर्न है, चेक दी लाइट, ये इसकी लाइटिंग है, लाइट है, लाइट ऑन हो गई आपको दिख रही है। चेक दी विंड स्क्रीन वाइपर, आपको पता कि जो वाइपर होता है उसका जब बारिश आती है तब उसका यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए अभी दूसरा लेवल भी अभी कंप्लीट हो गया है, तो दूसरी बार ये ऐड आ गई है, अब की बार ये आएगी नहीं बिकॉज मैंने नेट ऑफ कर दिया है। तो दूसरे लेवल में आपने क्या देखा, दूसरे लेवल में हमें बताया गया कि कोई ट्रेन हम कैबिन में आ गए हैं, तो कैबिन के अंदर हम लोग बैठे तो सबसे पहले इंजन ऑन किया, तो सबसे पहले इंजन ही ऑन किया जाता है, उसके बाद हमने लाइट ऑन की, उसके बाद उसकी जो भी जो गैस हो गई या फिर उसकी वाइपर हो गई, सब कुछ चाहिए जो भी उसके फंक्शन होते हैं, अब वाइपर ही मत लीजिए, जो भी उसके मेन फंक्शन होते हैं सब, जैसे मान लीजिए ब्रेक हो गया, उसका जो क्या नाम है जिससे वो आगे पुश होती है, थ्रोटल पावर, उसको भी सही से वर्क देखते हैं, चेक करते हैं, जो टेक्निकल बंदा हो तो वो भी चेक करता है कि सही से आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, और भी काफ़ी चीज़ें होती है, क्योंकि ट्रेन में आपको पता है कि बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, जब लॉन्ग लंबी जर्नी होती है तब तो और भी ज़्यादा हर एक स्टेशन पे चेकिंग हो जाती है। आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पे अब जैसे कि अब सर्दी आ गए, तो सर्दी में आपको पता है कि अपने इंडिया में तो कोहरे की चादर भी चढ़ जाती है, जिस वजह से सामने का कुछ दिखता नहीं, इस वजह से जो वहाँ के जो टेक्निकल लोग होते हैं वो एक झंडा ले रहते हैं, एक रेड कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, उसी से वो डायरेक्शन देते हैं कि अगर जो लाइन जिस लाइन पे ट्रेन जा रही है वो सही है तो ग्रीन दी जाएगी, और अगर गलत है तो रॉन्ग दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते तीसरे लेवल पर। बिफोर द इंजन कनेक्ट विद द बगीज़ यू हैव टू फाइंड द फ्यूल। तो अभी मुझे हमें बताया गया है कि बगीज़ के साथ, बगीज़ मतलब कोच के साथ में इंजन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कि जो ट्रेन हम लोग तीसरे लेवल में चलाने वाले हैं डीजल की हो। ये देखिए यहाँ पे इनको कलेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये देखिए हमने टोटल पावर इंक्रीज कर दी है, ये इसका हॉर्न है, इसकी लाइटिंग है, लाइट भी जल गई है, ये इसके वाइपर है, वाइपर हमें इसका कोई भी आवश्यकता नहीं है अभी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आपको कैमल भी दिख रहे होंगे, लेफ्ट साइड आपको रिवर दिख रही है, और कुछ गाय भी यहाँ पे घूम रही है। ये देखिए इन्हीं को मुझे कलेक्ट करना है। ये देखिए, ये देखिए, ओ ये क्या बीच में रेलवे लाइन ही नहीं है, अभी ऊपर जाएगी, ये तो ऐसे ही जैसे कि रोप पे जाती है ना वैसे जा रही है, लेकिन ये इंजन ही है, बीच में फिर से ट्रेन नहीं है। ये देखिए पत्थरों के बीच में रेलवे लाइन दी गई है, तो यहाँ पे मुझे स्टॉप करना था बिकॉज ट्रेन आ रही है। ओ माय गॉश ट्रेन इज कमिंग। ये देखिए ओ माय गॉश माय ट्रेन इज बर्निंग, गेम ओवर। तो दोबारा से मैं चलाता हूँ उसको बिकॉज मुझे यहाँ पे बताया गया था कि मुझे ट्रेन को रोकना है, तो अभी तो चलिए अभी यहाँ पे देखिए ट्रेन अपनी चल पड़ी है। बिकॉज सामने से ट्रेन आ रही थी इस वजह से हमने ध्यान नहीं दिया, तो लेफ्ट साइड हमने देखा सिग्नल भी रेड हो रखा था, रेड सिग्नल का मतलब यही होता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है, फिर कोई दिक्कत है, तो टेक्निकल दिक्कत भी हो सकती है। ये देखिए इस व्यू से सही है, तो अभी मैं इसको रोक दूंगा, जब वो ट्रेन यहाँ से गुजर जाएगी तभी हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेन को रोक दिया है, ये देखिए मैंने ट्रेन को यहीं पे रोक दिया है, ये ट्रेन इधर से आएगी। ये देखिए तो
तो चलिए ट्रेन जा चुकी है यहाँ से, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए पीछे से वो ट्रेन चली गई है, ये देखिए। तो हम जा सकते हैं, वी कैन गो, ये देखिए। ओके, लेवल इज़ कंप्लीट। तो यहाँ पे अपना लेवल कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे भी जो तीसरा लेवल था वो भी कंप्लीट हो गया। थैंक फॉर वॉचिंग गेमिंग एंड गुड बाय, टेक केयर।